हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइज, एसएससी ने जैसा कि बताया था कि फरवरी में एग्ज़ाम खत्म होने के बाद स्टेनोग्राफर के वो जीडी का एग्ज़ाम करवाएगा, सीपीओ का एग्ज़ाम करवाने वाला है। उम्मीद थी कि पहले वो छोटा एग्ज़ाम लेगा, इससे पहले सीपीओ का एग्ज़ाम करवाएगा उसके बाद जीडी करवाएगा, लेकिन उसने पहले जीडी यहाँ पर पिक किया है, उसके बाद सीपीओ को सेकंड नंबर पर रखा है। यानी आप बोल सकते हो कि आपका डेट सीधे सीधे यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। क्या डेट है, जो बच्चे हो जीडी वाले सीपीओ वाले गौर से चेक कर लो। यहाँ पर नीचे देखो, दो नए पॉइंट ऐड हुए हैं, तीन तो ये पुराने थे। कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 11 फरवरी से लेके 11 मार्च तक चलने वाला है। ये बिल्कुल मार्च में एक्सपेक्टेड था, लेकिन उम्मीद से हट के यहाँ पर टीसीएस ने एक काम किया है कि इसको पहले ले लिया है। जो मार्च में एक्सपेक्टेड था जीडी और फरवरी में एक्सपेक्टेड था एंड में सीपीओ का, जो सीपीओ को मार्च में दे दिया गया है और जीडी को फरवरी में लेके आया गया है। तो एक महीना लगेगा यहाँ पर आपका कंप्लीट होने के लिए जीडी का एग्ज़ाम, और उसके बाद सिर्फ तीन दिन में 12 से 13 14 15 16 चार दिन में यहाँ पर सीपीओ का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, डिटेल डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, एग्जाम लेवल के भी बारे में बात करेंगे डिटेल में। अभी जो इंपॉर्टेंट नोटिस आई थी तो तुरंत आप लोगों को अपडेट देना चाहता, ज़रूरी समझा। डिटेल में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, तैयारी जोरों पर रखो। थैंक यू, बाय बाय।